उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें शुक्रिया नंबर नौ सिला सिला एक नौजवान लड़की है जो पैदा होने के फ़ौर बाद इसके ख़ानदान और इसकी जड़ों से छीन ली जाती है इसे इस्तांबुल ले जाया गया जहां इसे एक अमीर ख़ानदान ने गोद लिया जो इसे बताता है कि इसका सारा ख़ानदान मर गया है अगरचा एक असली मशरकी असल से है सिला एक जदीद मगरबी अंदाज में परवरिश पाती है एक दिन जब वो अपने नाम नहाद मुर्दा ख़ानदान और इनकी पसमानदा रवायात से मिलती है तो इसकी कामिल ज़िंदगी तबाह हो जाती है इसका हकीकी बाप अचानक नमदार होता है और झूठ बोलता है कि इसकी माँ मर रही है और वह इसे देखने के लिए मार दें जाती है इसकी जिंदगी जल्द ही बदल जाती है जब इसे अपने बड़े भाई की जान बचाने के लिए बोरान आगा से शादी करने पर मजबूर किया जाता है जो कि एक मुकम्मल अजनबी है नंबर आठ अफीली अश्क हैंडसम और वीमेनाइजर कैरम फैमिली का बेटा है जिसका इस्तांबुल में टेक्सटाइल का कदीम तीन कारोबार है अपने जहन के साथ इसने अपनी फैमिली कंपनी को एक स्टार्टअप के साथ सेक्टर का लीडर बनाया क्योंकि वो ख़त्म होने वाली थी वो इसे पूरा करता है लेकिन वो अब भी अपने वालिद की नज़र में एक मुनासब आदमी नहीं है क्योंकि कैरम अपनी पूरी ज़िंदगी शराब नोशी खाने पीने सफ़र करने और जितनी लड़कियों के साथ घूम सकता है गुजारता है दूसरी तरफ आयशे कैरम की फैक्ट्री में काम करती है वो एक जहन खूबसूरत और बड़े दिल वाली लड़की है जो अपने दो भाइयों के जेर कंट्रोल बोरिंग खुशी से खाली ज़िंदगी गुजारती है इनमें से एक ज़ालिम है जबकि दूसरा बेकार है इस तरह इसकी वाहत उम्मीद अपने बॉयफ्रेंड बर्ग से शादी करके इस मुश्किल ज़िंदगी को पीछे छोड़ना है नंबर सात किज़िल गोंजा लार कजिल गोंजा लार मरीम की दिल खराश कहानी सुनाता है जिसकी शादी एक इस्लामी फिरके में चौदह साल की उम्र में हुई थी और अब वो अपनी बेटी जैनब को शेख के पोते की दुल्हन जैसी किस्मत से दो चार होने से रोकने के लिए बहादुरी से लड़ रही है इसकी भाभी की रहनुमाई में जो फिरके की एक सबक रुकन है इन्हें एहसास हुआ है कि इन्हें फिरके के ताकतवर चुंगल से ज़ैनब को बचाने के लिए भागना चाहिए डरते डरते अपने मंसूबों को अपने जालिम शोहर से छुपाते हुए मरीम को पहले सेकुलर साइकेट्रिस्ट लेवेंट के घर में देखभाल करने वाले के तौर पर पैसा कमाना चाहिए जो इसकी मदद करने पर राजी है इनके मुतदी मजहबी और तरक्की पसंद अकायद के बावजूद मरीम और लेवेंट जज्बाती तौर पर एक साथ खींचे जाते हैं लेकिन इनकी ज़िंदगी में इंतशार और गहरा होता जाता है जब इनकी बेटी की शनाख्त सामने आती है नंबर छः फातमा गुलन सूचने फातिमा गुलन सुचने नावल पर मबनी एक कहानी है यह सीरीज़ फ़ातिमा गुल और कैरम के गर्द घूमती है जो मरकजी करदार हैं फातिमा गुल जो कि एक छोटे से शहर की लड़की है एक रात शराब और मनशियात के नशे में तीन लोगों ने इसे ज़्यादती का निशाना बनाया कैरम जो अरदवान सेलिम और वराल का दोस्त भी है इस वाक़े के दौरान मौजूद था कैरिम ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया लेकिन वो पछतावा महसूस कर रहा है क्योंकि वो इस वाक़े के वक्त मौजूद था बाद अजा वकील चचा और अमीर लड़कों के वालदान फ़ातिमा गुल पर दबाव डालते हैं कि के वो कैरिम से शादी कर ले इसकी भाभी को रिश्वत देकर फातिमा गुल के पास मुस्तफा की माली आनत है जो फातिमा गुल और करम से इंतकाम लेने के बाद है इसे ये जोड़ा अपना आबाई शहर छोड़ कर इस्तानबुल आ जाता है कहानी इस वक्त मजीद घूमती है जब कैरिन को फातमा गुल से मोहब्बत हो जाती है और वह अपने रेप करने वालों के खिलाफ जंग में इसका साथ देती है नंबर पाँच वेदा मतबू अला नूर की ज़िंदगी जिसमें वह मुकम्मल तौर पर ज्या पर मुनसर थी ख़त के साथ बदल जाती है ठीक तीस थी, साल बाद चाहे हम इसे तकदीर का मोड़ कहें कायनात का बेमिसाल इंसाफ या मोहब्बत की ताकत और यारली ख़ानदानों के रास्ते फिर से गुजर जाते हैं दो मुखालिफ ख़ानदानों बिलखसूस अला नूर और जिया की किस्मत अब इनके बच्चों असली और मेहमत के हाथ में है जबकि मोहब्बत सही वक्त पर सही जगह पर होने का इंतज़ार कर रही है असली और मेहमत की किस्मत गलत वक्त पर गलत जगह पर मुतहद हो जाती है असली फ़्रांस के सबसे मज़दि स्कूलों में से एक शोर बोन जाएगी और महमद हतीजे से शादी करेगा जिसे वो एक बहन की तरह प्यार करता है अपने घर वालों के एतराज़ा के बावजूद वो इस रास्ते पर इकट्ठे चलने का इंतब करते हैं ये दोनों नौजवान मोहब्बत करने वाले ये नहीं जानते कि इनके शदीद जज्बात की जड़ें तीस साल पहले तक वापस जाती हैं जब जा मेहमद के वाल ज़िया और असली की वालिदा अला नूर की शादी होने वाली थी जिया अचानक गायब हो गया और अला नूर को तनहा छोड़ दिया नंबर चार याली चपकनी हाली सागा जेवरात की एक बड़ी सल्तनत का मालिक और कौरहान ख़ानदान का सरबरा है अगरचा इसका बेटा और हान और सबसे बड़ा पोता फवाद ज़्यादातर कारोबार चलाते हैं फिर भी वो कंपनी में सबसे अहम फैसले करते हैं इसका छोटा बेटा फरीद जो इसके भाई फवाद से बहुत मख्लिफ है एक बहुत ही गैर जिम्मेदार नौजवान बैचलर है जो अभी बैरून मुल्क से तलीम हासिल करके वापस आया है जहाँ वो तालीम हासिल करने गया था हालिस फरीद की लापरवाही को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और वह अपनी बेवा बहू इफाकत पर पाबंदी लगाता है कि वह इसे शादी के लिए एक अच्छी लड़की तलाश करके दे ये खबर कि हालिस आगा अपने पोते के लिए दुल्हन की तलाश में है नीले रंग से गाजियन टप में काजम की हवेली तक पहुँचती है काजम के अमीर होने की वाहत उम्मीद इसकी खूबसूरत बेटियां सुना और सैरान हैं नंबर तीन उच की कार देश एक जमाने में एक खूबसूरत लेकिन पूरी सरार मलक में तीन बहने रहती थीं जिनका नाम तुरखान दोनुश और दरिया था एक रिबी ख़ानदान के दौर पर वो हर रात एक उम्मीद अफजा मुस्तबिल का खाब देखती थी शायद ऐसी परवरिश जो की देवदार की खुशबू वाली सड़कों पर परियों की कहानी से मिलती जुलती थी ने इन्हें जवानी की संगीन हकीकत के लिए तैयार नहीं किया था वक्त गुज़रने के साथ बहनों को पता चलता है कि ज़िंदगी और इसके साथ आने वाले इंतख इतने आसान नहीं हैं जितने वो नज़र आते हैं ना काबले फहम राज वो लोग भी छुपा सकते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है और खौफनाक बीमारियाँ माजी की क़ियामत का बास बन सकती हैं ये इन्हें इस सवाल की तरफ ले जाता है क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिसे वक्त ठीक नहीं कर सकता नंबर दो गोनुल दागी तामीर एक नौजवान इन्वेंटर है जो मोड़ के बीच में वाक़ गदीली नामी एक छोटे से कस्बे में रहता है तानीर और इसके कज़न वैसल और अमज़ान बरसों से हवाई जहाज बनाने का ख्वाब देख रहे थे और आखिरकार वो इसे बनाने में कामयाब हो गए और साथ ही वे कंपनी को अपने हवाई जहाज़ को देखने और इसमें सरमायाकारी करने पर राज़ी करने में कामयाब हो गए कंपनी ने शहर में एक इंजीनियर भेजने का फ़ैसला किया ये इंजीनियर एक हैरत अंगेज़ नाम था इसके बचपन का प्यार दिलिक नंबर एक ईयामिन रेहान एक देसी लड़की शायस्ता मेहरबान और ख्याल रखने वाली है जो अपने पुराने ख़ानदानी दोस्त हकमत के बेटे से शादी करने का वादा करती है जब इसने हतमी तशीस का इंकशाफ किया है, हैिकमत को इस बात की फ़िक्र है कि अगर इसके गैर संजीदा बेटे और लालची बीवी को छोड़ दिया जाए तो इसके ख़ानदान का क्या बनेगा जिसकी वाहद फिक्र इस्तांबुल के आला मुआरे में अपना मुकाम मजबूत करना है अमीर जेर बहस बेटा है एक बागी जो ख़ानदानी कारोबार में काम करने के बजाय खतरात मोल लेने और अपने वालिद की मेहनत से कमाई गई रकम को लूटने को तरजीह देता है वो शादी पर राजी होता है लेकिन अपने वादे के साथ वो रिहान की ज़िंदगी को दुखी बनाने का धद करता है इस हद तक कि वो इसे तलाक़ दे दे अपने वालिद को ये साबित करे कि इसे ज़िंदगी में अपने फैसले खुद करने की इजाज़त होनी चाहिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें आपका बहुत बहुत शुक्रिया